अब मैं आपको तीन चार चीजें बताना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्म मेथड और एक्शन के बारे में। मेथड बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, फर्स्ट होता है गेट, सेकंड होता है पोस्ट। पोस्ट में ये होता है कि आपका जो कंटेंट है, जो भी आप इन फील्ड्स में लिख रहे हैं, इनपुट्स दे रहे हैं वेबसाइट को, वो पोस्ट में जाती है जनाब वेबसाइट की बॉडी के साथ, और गेट में जाती है यूआरएल्स के साथ। अब मैं अगर यहाँ पे गेट करूँ, जैसे अब यहाँ चली गई है, ये देखें फर्स्ट नेम कमेंट्स, ये चीजें ये गई हैं। ओके, अगर हम गेट यूज करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो थ्रू यूआरएल जाएगा। बेसिकली यहाँ जो भी लिखा होता है दैट्स यूआरएल। अभी तो हम लोकल सर्वर में, इसलिए यहाँ पे फाइल का एड्रेस दिखा रहा है, लेकिन इसे हम यूआरएल कहते हैं। और गेट में जब भी हम डेटा, अब चलिए हम डेटा ऐड करते हैं, इसमें मेल, इसमें हम करते हैं गिलगित, इसमें हम तीनों को चेकलिस्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये तीनों चल भी रहे हैं कि नहीं। इसके बाद हेलो, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ये लिख लेते हैं। और अब इसको हम, अच्छा पहले, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेथड जो है उसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा, एक्शंस में भी कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। इसको हम पहले सेव करते हैं, सेव जरूरी है। ओके, यहाँ आगे हम इसको हम अभी सबमिट करते हैं। ओके, फर्स्ट नेम वली, लास्ट नेम यूट्यूब चैनल, प्रोविंस जी जो गिलगित की वैल्यू थी, उसके बाद एफएससी, ठीक है, बैचलर्स भी आ गया इसमें, मास्टर्स भी आ गया। कमेंट, हेलो दिस इज माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो हमने कमेंट्स में लिखा था, ये सब आ गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा था और ये डिफॉल्ट गेट में चला गया है मेथड जो है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे पोस्ट। एक्शन ये होता है कि ये जो डेटा है बैक एंड में किधर जाएगा, या कौन से पेज में जाएगा जहां जाके इसको हम डेटाबेस में भेजेंगे, या इसके साथ कोई ऑपरेशंस करेंगे और फिर डेटाबेस में भेजेंगे, वो जगह, ठीक है। अब हम इसको एक्शंस को अगर हम करना चाहें कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी, जो हम पी एच पी सेक्शन में सीखेंगे, अभी हम इसको सेव करते हैं। लेट्स डू इट अगेन, फर्स्ट नेम वली, मेल, अब इसमें हम प्रोविंस में कोई और सेलेक्ट करते हैं देखने के लिए, और बैचलर्स करते हैं सिर्फ, ठीक है, दिस इज, चलें छोड़ें। ओके, लेट्स सबमिट इट अगेन। अब देखें, अब ये कहाँ जा रहा है, कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी में, ठीक है। जो अब वो जो सारा डेटा था वो इसकी बॉडी के साथ गया है, दिस फाइल को डॉट बी एक्सेस बिकॉज ये पेज अभी तक बना ही नहीं है। और ये जो सारा डेटा जो गेट में यूआरएल में जा रहा था, वो डेटा अब हमारी बॉडी के साथ, अब जो वेबसाइट है उसकी बॉडी के साथ अगली जो भी एक्शन हमने लिखा था वहां जा रहा है। तो ये बेटर है सिक्योरिटी के लिए और बहुत सी चीजों के लिए। इसके बाद हम देखेंगे जनाब, ओके, ये कॉन्टेक्ट डॉट पी एच पी में जा रहा है, ठीक हो गया। अब अगर, अब हम इसमें दो जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो मुझसे रह गई थी वो ऐड करता हूं मैं। ओके, फर्स्ट इज ईमेल फील्ड, इसमें हम इनपुट करेंगे, टाइप में लिखेंगे ई एम ए आई एल, ठीक है। इसकी वैल्यू कोई भी नहीं होगी क्योंकि वैल्यू तो यूजर इनपुट करेगा, इसका सिर्फ हम लिखेंगे नेम, नेम विच इज इक्वल्स टू ईमेल, ठीक हो गया। और इसमें हम प्लेस होल्डर लिखेंगे, प्लेस होल्डर
enter your email here. अब आप सोच रहे होंगे ईमेल हम टेक्स्ट फील्ड में भी तो लिख सकते थे, तो हम इसके लिए एक और हम इसको यहां पे लिख के देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रैंडम टेक्स्ट ऐड करते हैं और ये लिखा आ रहा है प्लीज इंक्लूड एन ऐड एंड द ईमेल एड्रेस डॉट इज ऑल्सो मिसिंग. ठीक है, मतलब जब तक ऐड और डॉट कॉम नहीं लिखा होगा ईमेल फील्ड कोई भी चीज आगे सप्लाई नहीं करेगी. मतलब जब तक आपकी ईमेल ऑथेंटिक रहेगी, जब तक आपकी ईमेल ऑथेंटिक नहीं होगी ईमेल फील्ड आगे डेटा सप्लाई नहीं करेगी. इसके बाद एक जो और फील्ड है वो है जनाब, ओके हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ईमेल को. पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड फील्ड आ गई, नेम. अगर आप इसको कॉपी करते हैं तो काइंडली देख लें सारी फील्ड्स चेंज हुई हैं कि नहीं. ओके, सारी फील्ड्स चेंज हो गई हैं. इसको हम सेव करते हैं, सेव करना जरूरी है. और हम यहां जाएंगे, हम लिखेंगे ये. अच्छा, अब आप अगर टेक्स्ट फील्ड में लिख रहे होते हैं तो ये देखें सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, प्लेन टेक्स्ट आ रहा है. अब आप पासवर्ड फील्ड में लिखें, ये देखें आपका टेक्स्ट प्रोटेक्टेड है. So that's it for today. अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू. इसके बाद हम जितनी चीजें हमने सीखी है उससे एक ऑथेंटिक प्यारी सी वेबसाइट बनाएंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी. तो स्टे ट्यून्ड.